और हम समझते हैं कि हमसे बड़ा वाहिद और हमसे ज़्यादा अल्लाह की तौहीद का परस्तार, या हमसे ज़्यादा अल्लाह को एक मानने वाला, या हमसे ज़्यादा अल्लाह की वहदानियत का कायल कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाऊं कि सारी कायनात में सिर्फ हम हैं कि जो अली के होते हुए अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अजीज़ों, तौहीद इलाही पर यकीन रखने के कुछ तकाज़े हैं, उनमें एक तकाज़ा बहुत अहम है। हम रोज़ाना उस तकाज़े से गुज़रते हैं लेकिन उसके ऊपर कभी गौर नहीं करते। देखिए, जब हम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो हम एक दूसरे को आप कहकर मुखातिब करते हैं। अगर कोई उम्र में हमारे बराबर होता है तो हम उसे आप नहीं कहते, और उससे बेतकल्लुफ़ होते हैं तो उसे तुम कहकर मुखातिब करते हैं। लेकिन हम और आप जिस इलाके में रहते हैं, हमारे यहाँ किसी शख्स को, चाहे वो हमसे उम्र में बड़ा हो या उम्र में हमारे बराबर हो या उम्र में हमसे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन किसी को तू कहकर मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा जाता, खिलाफ़ अदब समझा जाता है। यानी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे इलाके में अगर किसी को तू कह के मुखातिब किया जाए तो ये बात खिलाफ़ अदब, खिलाफ़ तहजीब तसव्वुर की जाती है। बाप अपने बेटे को भी तू कह के मुखातिब नहीं करता, दादा अपने पोते को भी तू कह के मुखातिब नहीं करता, नाना अपने नवासे को भी तू कह के मुखातिब नहीं करता, उस्ताद अपने शागिर्द को भी तू कह के मुखातिब नहीं करता। अगर किसी से हम बेतकल्लुफ़ होते हैं या कोई उम्र में हमसे छोटा होता है तो मोहब्बत के साथ अगर हम उसे आप नहीं कहते तो तुम कह के मुखातिब करते हैं, लेकिन हम किसी को तू कह के मुखातिब नहीं करते। कभी आपने इस नुक्ते को पर गौर किया कि जब हम आपस में एक दूसरे को तू कह के मुखातिब नहीं करते तो जब अल्लाह से दुआ करते हैं, यानी बारगाह इलाही में जब हम दुआगो होते हैं तो हम अल्लाह को आप कह के मुखातिब नहीं करते, हम अल्लाह को तुम कह के मुखातिब नहीं करते। कभी कोई इस अंदाज़ से दुआ नहीं करता कि ऐ परवरदिगार आप हमें एक बेटा अता कर दीजिए। कोई ये कह के भी दुआ नहीं करता कि ऐ परवरदिगार तुम मुझे रोज़गार अता कर दो। बल्कि जब अल्लाह से हम दुआ करते हैं तो अल्लाह को तू कह के मुखातिब करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब अपने दरमियान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना हम खिलाफ़ अदब और खिलाफ़ तहजीब समझते हैं तो फिर अल्लाह के लिए तू का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसे मुनासिब समझते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ यह है
कि जब हम किसी को आप या तुम कहकर मुखातिब करते हैं तो उसमें किसी दूसरे की शिरकत का शायबा मौजूद रहता है। कुछ गौर किया आपने या नहीं गौर किया? हमने कहा आप, तो आप से मुराद एक भी है। आपने गौर किया कि किसी दूसरे की शिरकत का शायबा पैदा न हो, इसलिए अल्लाह को तू कह के मुखातिब किया जाता है। मेरे ख्याल में ये बात आपने महसूस कर ली, और जहाँ जहाँ लोग मजलिस सुन रहे हैं उन्होंने भी बात को महसूस कर लिया होगा। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हमको ये इजाज़त नहीं, देखिए आप मेरी तरह मुतवज्जो रहें, कि जब हमको ये इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह को तुम कह के मुखातिब करें, तो फिर होना तो यही चाहिए कि जब अल्लाह भी गुफ्तगू करे तो अपने लिए हमेशा मैं का लफ्ज इस्तेमाल करे। आप सुन रहे हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ? अपने लिए मैं का लफ्ज इस्तेमाल करे कि मैं, अपने लिए कभी हम का लफ्ज इस्तेमाल ना करे, इसलिए कि जो फ़र्क तू और तुम में है वही फ़र्क मैं और हम में है। तो अल्लाह भी अपने लिए हमेशा मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे। लेकिन जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह कहीं अपने लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह कहता है मैंने जिनों को और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। लेकिन अक्सर मकामात पर अल्लाह ने अपने लिए मैं का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया बल्कि हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले हालांकि मेरे मौजू से मुतअल्लिक नहीं है लेकिन मैं मिल्लत जाफरिया में इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देने के लिए यह बात अर्ज कर रहा हूं कि खुदा के लिए कौमी मसाइल में जब आप गुफ्तगू कीजिए तब भी मैं के बजाय हम का लफ्ज इस्तेमाल। एक सलावात और पढ़ते बार मोहम्मद वाले हम और शायद यहाँ बैठे हुए हजरात मेरी बात को समझ रहे हैं, हालांकि ये मजलिस सारी दुनिया में देखी जा रही है, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि हम लखनऊ के रहने वाले, इसीलिए मैंने कहा कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं, और इस शहर की भी शान यहाँ रही है कि यहाँ इंकिसार की वजह से मैं के बजाय हमेशा हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। एक सलावात और पढ़े बार मोहम्मद वाले हमेशा। देखिए ये एक बिल्कुल अलग बहस है लेकिन मैंने किसी वजह से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज की कि जब हम कहते हैं कि हमने ये काम किया है। इतफा करें इसलिए कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हमें अभी 8 रबीउल अव्वल तक मुसलसल 2 महीने 8 दिन मुहर्रम करना है। 2 महीने 8 दिन 8वीं रबीउल अव्वल तक हमें मुहर्रम करना है। लिहाजा आपको सरकार बाबुल हवायद का वास्ता, सरकार बाबुल मुराद का वास्ता, सरकार सैयदुश्शहदा का वास्ता कि आप हजरात जो हैं वो ऑनलाइन मजलिसों को मुलाजा फरमाएँ और इंडिविजुअली भी ना देखें बल्कि घर के लोग एक जगह पर बैठें और उसके बाद ऑनलाइन मजलिसें जो हो रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से उसको सामने रखें और सारे घर वाले बैठ के सुनें, फ़ज़ाइल में महजूज भी हों, मसाइब में गिरिया भी करें, इस तरह से अपनी आज़ादारी को बरपा करें। और देखिए अजीज़ों, 1 महीने पहले मैंने एक बात कही थी और फिर मैं आपकी खिदमत में दोहरा दूँ, और मैंने अर्ज़ किया था बग़ैर किसी तफरीक के कि लोग हुकूमत से, शासन से, प्रशासन से गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि आगे भी वो गुफ्तगू करते रहेंगे, और मैंने कहा था कि खुदावंद आलम उनको उनकी गुफ्तगू में कामयाब करे, लेकिन मैंने मोमिनीन से कहा था कि मोमिनीन जो हैं वो दुआ करें, अरीज़ा लिखें, ज़ियारत आशूरा पढ़ें, दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी शायद हमारे दुआ करने में कुछ कमी रह गई, जो दुआ उस तरह कबूल नहीं हुई जैसे कि हम चाहते थे, लेकिन बहरहाल किसी हद तक आपकी दुआ कबूल हुई और कोशिशें भी कामयाब हुई, मजलिस हो रही है, आप हजरात मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। बस अजीज़ों सुनो, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने भी कहीं कहीं अपने लिए मैं के बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मसलन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, इन्ना आतैना कल कौसर,
तर्जुमा देखिएगा, ये नहीं अल्लाह कह रहा मैंने तुम्हें कौसर अता किया, बल्कि अल्लाह कह रहा हमने आपको कौसर अता किया। आप शायद गौर नहीं करना, मैंने नहीं बल्कि हमने आपको कौसर अता किया। इन्ना अंज़लनाहू फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह कह रहा हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। कुछ गौर किया आपने या नहीं गौर किया, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। सूरह दहर की पहली और दूसरी आयत पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसाने हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मस्कूरा, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह क्या कह रहा है कि क्या इंसान पर एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि जब इंसान काबिल जिक्र भी नहीं था, हमने इंसान को मखलूत यानी मिले जुले नुतफे से पैदा किया और उसको समी और बसीर बनाया। यहां भी मैंने नहीं पैदा किया बल्कि हमने इंसान को पैदा किया। और आगे बढ़े अजीजों, जो आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अरबी जबान में मैं के लिए लफ्ज आता है अना और हम के लिए लफ्ज आता है नहनो। ये सूरह हिज्र की आयत जो मैंने उनवाने बयान के तौर पर पेश की, इसमें अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही हैं इस जिक्र के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। यहां भी अल्लाह हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। जब हमने दस्त अदब जोड़ के मुफस्सरीन से पूछा कि ये अल्लाह कभी मैं और कभी हम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करता है, तो हमारे उलमा ने के जिन्होंने अक़वाल मासूमीन से कुरान मजीद की तफसीर का इल्म हासिल किया, उन्होंने जवाब दिया, बस सुनिए अज़ीज़ों यही नुक्ते की बात है, उन्होंने जवाब दिया कि बहुत से असबाब हैं लेकिन एक खास सबब यह भी है कि जहां जहां अल्लाह ने कोई काम किसी के वसीले से अंजाम दिया, भाई खुदा के लिए थोड़ा बेदार होइए, जहां जहां अल्लाह ने कोई काम किसी के वसीले और जरिए से अंजाम दिया, वहां वहां अल्लाह ने मैं के बजाय हम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैंने नहीं बल्कि हमने ये काम अंजाम दिया है। अब आप समझते चले जाइए, समझते चले जाइए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान जिब्राइल के वसीले से नाजिल किया। अब लिहाजा अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैंने नाजिल किया बल्कि अल्लाह ये कह रहा कि हमने इस कुरान को नाजिल किया। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया है। अब मैं देखता हूँ कौन खामोश रहता है और कौन दाद ना देता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर से मुराद क्या है? तो कौसर से मुराद बीबी फातिमा जहरा सलावतुल्लाह सलाम अलैहा। यहां भी अल्लाह ने नबी से ये नहीं कहा कि मैंने आपको कौसर अता किया बल्कि अल्लाह ने कहा हमने आपको कौसर अता किया। इसका मतलब ये हुआ कि फातिमा जैसी बेटी भी अल्लाह ने किसी के वसीले से अता की। आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे भैया, नुजूल कुरान के लिए जिब्राइल को वसीला बनाया गया, अताए जहरा के लिए खदीजा को वसीला बनाया गया। एक बाबा तो बोला सलावात पढ़े पर मोहम्मद अता जहरा के लिए किसको वसीला बनाया गया? कि जनाब खदीजतल कुबरा को वसीला बनाया गया कि हमने तुमको कौसर अता किया है, हमने तुमको नस्ल कसीर अता की है, औलाद कसीर अता की है। अब अल्लाह ने औलाद कसीर के तौर पर देखिए, अब क्योंकि शहजादी का जिक्र आ गया और आज पहली मजलिस है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इस जिक्र को तर्क ना करूँ और इसी के ऊपर मजलिस को तमाम कर दूँ कि अल्लाह ने पैगम्बर को जहरा जैसी बेटी अता की। क्यों अता की? क्या इसलिए कि लोग पैगम्बर को अबतर कह रहे थे और ये कह रहे थे कि इनकी नस्ल मुनक़ता हो गई, तो अल्लाह कह रहा हमने आपको औलाद कसीर अता की। औलाद कसीर के तौर पर दिया क्या? का एक बेटी फातिमा जहरा, एक बेटी बीबी फातिमा जहरा, इसके अलावा कोई और नहीं। एक बेटी को अल्लाह कह रहा औलाद कसीर, गौर नहीं कर रहे? अल्लाह कह रहा औलाद कसीर, बेटी एक है, अल्लाह कह रहा औलाद कसीर। शायद लोग समझे ही नहीं, जनाब इब्राहिम हैं अकेले लेकिन कुरान में अल्लाह ने इब्राहिम को मिल्लत कहा, सुनाते या नहीं सुना? अल्लाह ने इब्राहिम को कौम कहा, यानी अकेले है मगर मिल्लत है। सुनाया, फातिमा अकेली है मगर औलाद कसीर है। अब जाहिर सी बात है कि जो बीबी अकेली औलाद कसीर होगी उसी का कुफो वो होगा कि जिसकी एक जरबत सकलैन की इबादत हो रहा है। एक बीबी
और फरमाया आपने एक बीबी हजरत फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए बस एक बात की वजाहत करता चलूँ, मैं बात को तमाम कर दूँ। बीबी फातिमा जहरा रसूल की इकलौती बेटी, लेकिन अल्लाह का औलाद कसीरता की अल्लामा मौदूदी ने, जो इस दौर के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, अपनी किताब तफहीमुल कुरान में लफ्ज़ कौसर की तफसीर बयान करते हुए तहरीर किया है कि जहाँ कौसर के और बहुत से माना हैं, हौज़ कौसर और नहर कौसर और उम्मत और रहमत और खैर कसीर, उन्होंने कहा कि इन सारे माना के साथ साथ एक माना ये भी हैं कि कौसर से मुराद सारी दुनिया में फैले हुए वो सादात हैं। हाय हाय हाय, सुन रहे हैं आप, वो सादात हैं कि जिनका शरफ ही यह है कि वो हम कहते को कहते हैं कि हम औलाद रसूल हैं। सलावात पढ़े बार मोहम्मद वाले कहते हैं कि हम औलाद रसूल हैं। बस कबला बात तमाम हो रही है, सारे सादात कहते हैं कि हम कौन हैं, कि हम औलाद रसूल। सादात यही तो कह रहे ना कि हम औलाद रसूल, सारी दुनिया में सादात फैले हुए। देखिए मैं शिया या गैर शिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मजलिस बहुत दूर तक जा रही है। सादात शिया हजरात में भी हैं, गैर शिया हजरात में भी हैं। अब गैर शिया हजरात में सादात कैसे हैं, कम से कम मैं बिल्कुल वजाहत के तौर पर आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये फ़कत तकय्ये का मामला नहीं है। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वसल्लम, इसमें कुछ असबाब और भी हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त मेंबर से वो असबाब आपकी खिदमत तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल सादात सारी दुनिया में फैले हुए। किसी भी सैयद से पूछिए कि तुम सैयद क्यों हो, क्यों सैयद हो। चलिए जाने दीजिए मैं और आसान कर रहा हूं कि हकीकी सैयद हो जन्ना हो, लेकिन अगर अपने को सैयद कहता है तो उससे पूछे कि तुम सैयद क्यों हो, तो वो जवाब देगा कि हम इसलिए सैयद हैं कि हम रसूल की औलाद हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि अगर सैयद रसूल की औलाद है, देखिए इस वक्त उस मजलिस में जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि सामने सुनने वाले चंद लोग हैं, लेकिन मजलिस बहुत दूर तक सुनी जा रही है, तमाम दुनिया में लोग मजलिस सुन रहे हैं। मेरे पैगाम को समझें कि हर सैयद ये कहता है मैं औलाद रसूल हूँ। आप चराग लेके ढूंढिए, कोई एक सैयद आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं सैयद हूँ, मैं औलाद रसूल हूँ, तो मैं अपने नाम के साथ मोहम्मदी लगाता हूँ। हाय हाय, नहीं नहीं अजीजों ऐसे सुनिए, खुदा के लिए बेदार होइए। देखिए ये आपका मुकद्दर है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं मौला अब्बास की बारगाह में, हैं कोई एक सैयद आपको ऐसा मिल जाए जो अपने नाम में मुस्तफ़ा ही लगाता हो, मिला कोई? कोई आपने अहमदी सैयद देखा? और अगर अहमदी लगा ले तो गजबी हो जाए, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हैं गजबी हो जाए, और हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गजब हो जाए, सलावात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई आपको मिला? कोई नहीं मिला। तो फिर सादात क्या है? ये सैयद हैं, वो सैयद हैं, वो सैयद हैं, क्यों सैयद हैं? हमसे पूछिए आप क्यों सैयद हैं? हमने कहा हम जैदी सैयद हैं। क्यों जैदी सैयद? कर जैद शहीद की औलाद। जैद शहीद कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे जद जनाब जैद शहीद ने लोगों को मारिफत आले मोहम्मद की तरफ दावत दी। मैं जो पढ़ता हूँ पढ़ के पढ़ता हूँ। तो ये जैद शहीद कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद। तो जैदी हजरत रसूल की औलाद कैसे हो गए? कहिए जैद शहीद की औलाद। जैद शहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी फातिमा जहरा के बेटे। लेकिन नुकता है सबके लिए, सादात गैर सादात सबके लिए नुकता है, और इंशाअल्लाह अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कोई खामोश नहीं रहेगा, और खास तौर से बीबी सैयदा से उम्मीद शफात रखने वाला खामोश नहीं रहेगा। कहीं भी मजलिस सुन रहा हूँ, कभी भी फातिमा जहरा के बेटे इमाम हुसैन, बीबी जहरा कौन? रसूल की बेटी। ये कैसे सैयद हैं? कहिए आबिदी हैं। ये कैसे सैयद हो गए? कहिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी जहरा के बेटे, वो रसूल की बेटी। ये कौन है? कहिए बाकरी सैयद हैं। ये बाकरी सैयद कैसे हो गए? उन्होंने कहा ये इमाम मोहम्मद बाकर की औलाद, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद, वो इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी जहरा के बेटे, बीबी जहरा रसूल की बेटी, इस सिलसिले से ये रसूल की औलाद। ये कौन है? कहा जाफरी सैयद हैं। ये कैसे सैयद हो गए? उन्होंने कहा ये इमाम जाफर सादिक की औलाद, इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे, इमाम मोहम्मद बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, वो इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी जहरा के बेटे,
बीबी जहरा रसूल की बेटी, ये कौन से सैयद हैं? कहिए मूसवी सैयद हैं, समझ रहे हैं आप, ये काजमी सैयद हैं। मूसवी और काजमी में कोई फर्क नहीं होता, समझ रहे हैं आप। कुछ लोग अपने को मूसवी कहते हैं सातवें इमाम की औलाद से, कुछ अपने को काजमी कहते हैं, आपका इसमें गिरामी मूसा है, लकब काजिम है, तो कुछ लकब की तरफ अपने को मंसूब करते हैं, कुछ नाम की तरफ मंसूब करते हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन? कहा ये मूसवी या काजमी सैयद। तो कैसे? कहा ये इमाम मूसा काजिम की औलाद, वो इमाम जाफर सादिक के बेटे, वो इमाम मोहम्मद बाखिर के बेटे, ये यूँ ही नहीं सुना रहा हूँ आपको, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, वो इमाम हुसैन के बेटे, वो बीबी फातिमा जहरा के बेटे। तो बीबी फातिमा जहरा रसूल की बेटी, ये रिजवी सैयद, ये कैसे सैयद हो गए? कहिए मूसा मुबरका की औलाद, मूसा मुबरका की औलाद, और वो इमाम रजा की औलाद, और उसके बाद सिलसिला बीबी फातिमा जहरा तक पहुँचा। ये तकवी हैं, ये नकवी हैं, हर सैयद का सिलसिला बीबी जहरा पे तमाम होता है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को औलाद रसूल साबित करने के लिए, अपने को औलाद रसूल साबित करने के लिए हर शख्स अपना सिलसिला बीबी जहरा से जोड़ता है, तब वो रसूल की औलाद साबित होता है, तब रसूल की औलाद साबित होता है। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग ये कहते हैं कि रसूल की एक बेटी नहीं थी, रसूल की तीन तीन बेटियां और भी थी, अगर रसूल की तीन बेटियां और थी तो दुनिया में कहीं से कोई सैयद तो सामने आए जो कहे कि मैं रसूल की फुला बेटी की औलाद हूं या फुला बेटी की औलाद हूं। कोई तो है भाई, सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले कोई आया कभी? कभी कोई नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया के सादात ये समझते हैं कि न बीबी जहरा के अलावा रसूल की कोई बेटी है, न हसनैन के अलावा रसूल का कोई बेटा है, समझ रहे हैं। जो औलाद रसूल है उसका सिलसिला इन्हीं से जुड़ता है, इनके अलावा किसी और से नहीं जुड़ता। बस अभी तो आखिर में मैं अक्सर ये बात अर्ज किया करता हूं कि जैसे कुछ अशआर होते हैं सदा बहार, कुछ अशआर होते हैं सदा बहार, सारी जन्नत में खुदाए अजली लिखा है, डाली डाली पर नबी और अली लिखा है। जनाब मुन्ने आगा जकी साहब के चार मिसरे लोग बच्चों को याद कराते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, और मैं ये पुराने अशआर और पुराने कतात सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी मजलिसों में पढ़ता हूँ कि दुनिया को यह मालूम हो जाए कि लखनऊ का मिजाज शायरी क्या है। एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या समझ रहे हैं आप। ये बात लोगों तक वाजे होना ज़रूरी है। तो सारी दुनिया में खुदा है अदली लिखा है और डाली डाली ब नबी और अली लिखा है। आप देखिए क्या सजा के मिसरे कहेंगे, डाली डाली ब नबी और अली लिखा है, और सब्ज पत्तों पर हसन और कली में जहरा, सुर्ख फूलों पर हुसैन इब्ने अली, सलावात पर मोहम्मद वाले। ये मैंने इसलिए अर्ज किया कि जैसे कुछ अशार और कुछ कतात और कुछ रुबाइयां और कुछ बंद और कुछ बैतें ऐसी होती हैं जो सदा बहार होती हैं, जब पढ़ी जाए लोग दाद देते हैं, ऐसे कुछ नुक्ते भी सदा बहार है। आप सदा बहार का मतलब समझे? मैं कहने का मतलब क्या है, सदा बहार का मतलब यह है कि कुछ निकात ऐसे होते हैं कि एक बार सुना तो आपने खूब दाद दी, दोबारा सुना तो उससे कुछ कम दाद हो गई, तीसरी बार सुना तो उससे कुछ कम दाद हो गई, लेकिन कुछ निकात बुजुर्गों के ऐसे हैं कि जब सुनिए वही लुत्फ आता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं पूरी दयानतदारी से मजलिस पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुबल्लिग़े आज़म मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब कबला का इस सिलसिले में एक सदा बहार नुक्ता, जो इसी मिंबर से इससे पहले भी मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले जिस साल मैंने इस्लाम और बनी हाशिम पाशरा पढ़ा था, 9 मुहर्रम को वो नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज किया था, और जाहिर सी बात है गालिबन 2009 11 साल के बाद फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मौलाना मौलवी इस्माइल देवबंदी साहब कबला बेहतरीन नुक्ता, इससे बेहतर नुक्ता नहीं हो सकता। इस्माइल देवबंदी साहब ने फरमाया, तुम कहते हो रसूल की चार चार बेटियां थी, तो क्या चलो तुम्हारे कहने से मान लिया। देखिए मुझे मालूम है कि सिर्फ
मेरी मुरव्वत में दो चार लोग वाहवा कर रहे हैं, वरना कौन मानेगा। इस्माइल देवबंदी साहब कहते हैं चलो तुम्हारे कहने से मान लिया रसूल की चार बेटियां, तुम्हारे कहने से मान लिया, हालांकि हम नहीं मानते, हमारे उलमा नहीं मानते, लेकिन चलो झगड़ा खत्म, हमने मान लिया कि रसूल की चार चार बेटियां थी। वो जैनब जिनको तुम कहते हो वो भी रसूल की बेटी, वो कुसुम भी रसूल की बेटी, वो अलग है जैनब, वो कुसुम वो करबला वाली नहीं, और वो रुकैया वो भी रसूल की बेटी, और हमारी शहजादी भी रसूल की बेटी। तुम्हारे कहने से इस्माइल साहब पढ़ते थे बड़े मजे में, आएगा मान लिया कि ये सब रसूल की बेटियां, लेकिन हमें ये बताओ कि हैं तो रसूल की चार चार बेटियां लेकिन चादर तथीर में कई बेटियां। सुन रही है मजबा, चादर तथीर में कई बेटियां था, एक मोबाइले के मैदान में, बोलिए भाई बोलिए, मोबाइले के मैदान में, देखिए बोलिए, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो उंगलियों से लिखें एक सलवार पढ़वा कहां मरवा। देखिए पढ़ना मेरा काम है, रिस्पांस देना आपके काम है, है? चादर तथीर में एक, मोबाइले के मैदान में एक, जिसकी औलाद पर सदका हराम हो वो एक, जिसका निकाह अर्श पर हो वो क्या सुन रहे हैं, जिसका निकाह अर्श पर हो वो एक, जिसके शौहर की डेहरी पर सितारा उतरे उसकी आंख के लिए वो एक, जिसकी तस्बीह के बगैर नमाज कबूल ना हो वो एक। तो नया बेकार हो ये, वो बीबी एक, जिसके शोहर के लिए आसमान से दुल्फकार आए वो एक, जिसके बच्चे जवाना ने जन्नत के सरदार बने है? वो एक, जिसके लिए रोजे महशर अहले महशर की आंखें बंद कराई जाए कि उसकी सवारी गुजर जाए वो बीबी एक, जिस बीबी को अल्लाह रोजे महशर शफाअत का इख्तियार दे वो एक। अब इस्माइल देवबंदी बड़े मजे में पढ़ते थे, वो कहते थे चलो तुम्हारे कहने से मान लिया, अब आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा कि रसूल की चार चार बेटियां थी लेकिन तथीर में एक, मुबाहले में एक, सूरह दहर में एक, सूरह कौसर की मिज़दाक एक, ताजीम में एक, तकरीम में एक, शजात में एक, सखावत में एक, एहतराम में एक, फजीलत में एक, रोजे महशर अहले महशर की आंखें बंद करवाने में एक। अब तुम ये सुनिए, जैसे चाहे वैसे सुनिएगा, तो वो कहते थे आप तुम समझोगे थी कबला बाबे फजाइल तमाम हुए, आज पहली मई की सो रही, एक बार फिर गुजारिश करूंगा तमाम चाहने वालों से और तमाम अज़ादारों से और खुसूसन हमारे शहर के रहने वालों से कि देखिए ये मजलिसें आप हजरात ऑनलाइन समाज फरमाएं और कोई भी ज़्यादा कोशिश ना करें यहाँ आने की, चंद हजरात की परमिशन है, आपको सरकार बाबुल हवाइज का वास्ता, बाबुल मुराद का वास्ता मैं बार बार दे रहा हूँ, मौके की नज़ाकत को समझिए और चंद लोगों में मजलिसें मुनक़द हो रही हैं, बाकी हजरात ऑनलाइन मजलिस को समाअत फरमाएं। अजीज़ों ये फातिमा ऐसा नाम कि नबी ने अपनी हर बेटी का नाम फातिमा रखा, फातिमा सुगरा, फातिमा कुबरा, बड़ी फातिमा, फातिमा सुगरा, छोटी फातिमा। आज पहली मुहर्रम, रो लीजिए अजीजों, मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करना चाहता, अट्ठाईस रजब आका हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, इमाम हुसैन की छह बरस की बेटी फातिमा सुगरा बार बार कभी चचा के पास, चचा बस आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कभी जनाब अली अकबर के पास, भैया अली अकबर आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं,
कभी जनाब कासिम के पास, भैया कासिम आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कभी आदम बाबा हुसैन मैं अकेली कैसे रहूं, कभी फूफी के पास, कभी माँ के पास, कभी चची के पास, हर जगह तो सिर्फ एक जवाब, बस 5 मिनट के अंदर मैं तमाम हो रही, जो आका हुसैन की मर्जी। बीबी ज़ैनब कह रही है सुगरा हम क्या करें, जो भैया हुसैन की मर्जी। अरे तो जब बीबी फातिमा सुगरा हर तरफ से मायूस हो गई, सुगरा आई घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई, सर झुका के खड़ी हो गई, काफिला जाने की तैयारी कर रहा है। अब सुगरा किसी ने कुछ कह नहीं रही, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं। गिरिया कर रही है फातिमा सुगरा, अजीजों इमाम हुसैन ने भी आलम देखा तो हुसैन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने तमाम बीबियों को इकट्ठा किया, कहा कि हर बीबी बारी बारी सुगरा के पास जाए और चंद तसल्ली के कलमात कहे। बाप सुगरा के पास आए, सुगरा हमें मालूम है अली असगर के बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो मर्जी मौला हुसैन। उम्मे लैला आई सुगरा, एक माँ जानती है कि बेटी को छोड़ के जाने का गम क्या होता है, लेकिन हम क्या करें, जो भैया जो आका हुसैन की मर्जी। जनाब उम्मे फरवा आई तसल्ली दे के चली गई, उम्मे कसूम आई, सुगरा हम भैया अब्बास को याद दिलाते रहेंगे कि अगर सकीना यहाँ है तो सुगरा घर में इंतजार कर रही है। सबसे आखिर में अली और फातिमा की बड़ी बेटी सानिया जहरा, जनाब ज़ैनब आई, सुगरा के सर में हाथ रखा, सुगरा या तो हम तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और या हम लौट के आएंगे। बस अभी तो ये सुनना था कि सुगरा के सब्र का बांध टूट गया, एक मरतबा आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उठाया, तफ़ी ज़ैनब आप कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हमें सब मालूम है, हम जानते हैं कि जो काफिला जा रहा है ये सही सलामत वापस नहीं आएगा। अब हमारी हमारे बाबा से मुलाकात नहीं होगी। अजीजों जब ये जुमला सुन के आप इतना रो रहे हैं तो ज़ैनब के दिल में क्या गुजर गई होगी। अब निस्फ शब गुजर जाती है, यानी जब आधी रात गुजर जाती है तो आसमान से एक बीबी सियाह चादर ओढ़ के घर में आती है और आके कहती है, मेरे हुसैन मैं तुझ पर कहां कहां आंसू बहाऊंगी, क्या मैं उस वक्त रोऊंगी जब तेरे गले में खंजर चल रहा होगा, या मैं उस वक्त रोऊंगी जब तेरा सब मुंह के नैदा पे बुलंद होगा, या फिर उस वक्त रोऊंगी जब तेरा सर खूनी के तनूर में रखा हुआ होगा, या उस वक्त रोऊंगी जब तेरा साए शराबी के दरबार में दश्त दिला पर रखा हुआ होगा। बस अगला आखिरी जुमला मजलिस तमाम, बस ये सुनना था कि बीबी ज़ैनब से भी बर्दाश्त ना हुआ, एक मरतबा ज़ैनब तड़पती हुई आका हुसैन के पास आई, ए भैया हुसैन अब मैं भी कहती हूँ अगर मुमकिन हो तो सुगरा को साथ लेके चलो। क्या भाई ज़ैनब हम सबको साथ ले जा सकते हैं लेकिन सुगरा को साथ नहीं ले जा सकते। क्या भैया ठीक है सब अभी बयान कर दो। क्या अरे बहन तुमने क्या पूछ लिया, जो और बच्चियाँ साथ जा रही हैं किसी की सूरत उनकी बहन जैसी है, किसी की सूरत उनकी माँ जैसी है, किसी बच्ची की सूरत उनकी पुपी जैसी है, लेकिन मेरी बेटी सुगरा मेरी अम्मा जहरा से मुशाबे है। अरे मैं कैसे गवारा करूं, मेरी अम्मा जहरा की शबी के सर से चादर छीनी जाए। दयार बदयार